नहीं ये देखो ये हिल रही है बार बार। नहीं जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, 2 3 वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। और यार सबसे पहले आप सभी का दिल से बहुत 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 शुक्रिया यार कि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी के लिए बस यही है कि सैटरडे नाइट है अभी, इसी के साथ साथ आज का हमारा होता है व्लॉग स्टार्ट। और सबसे पहले ये भाई से मिलो यार, ये दुबई से आए, ये हमारे लिए बड़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं। सुनाया सर भाई हाथ रखा है, वो देखो यार क्या हाल है जी माय फ्रेंड। ये भाई हमारे लिए चॉकलेट भी लेके आए हैं, वो भी अभी आपको साथ दिखाते हैं। हाँ सब्सक्राइब भाई, भाई का सब्सक्राइब है। सुनो सुनो, हाँ जी सुनाए। और सब आर्ट कर रहे हैं ठीक है। बस अभी इसी के साथ साथ आज का हमारा था व्लॉग स्टार्ट, तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और यार ये जो भाई है ना, वो ये दो फ्लेवर लेके हैं, ये पता नहीं कोई नए से फ्लेवर है, मैंने तो पहली दफ़ा ही देखे हैं भाई। एक ये है बादाम वाला और दूसरा है ये पिस्ते वाला, ये लेके आए हैं भाई। तो यार असद भाई आपका सबसे पहले यार थैंक यू आप हमारे लिए। ये क्या दिखा रहे हैं? और आप लोग समझ रहे होंगे यार, पहले आपने देखे होंगे पीछे सोफे सोफे भी हमारे पड़े होते थे, वो असल में ना देखो हमारा सारा कमरा जो है ना वो खाली हो चुका है, इसीलिए क्योंकि बारिश का पानी आ गया था घर में, तो सोफे भी सारे हो गए थे गीले शीले, इसीलिए जो है हमने वो सोफे सारे गीले हैं तो बाहर निकाले हैं, इसलिए हमारा कमरा ना ज़्यादा गंदा लगता है। बस अभी के लिए अब क्या करें, ये खाएँगे और उसके बाद फिर आपको मिलेंगे। ये देख सकते हो कितना मज़े मज़े की चॉकलेट है। आज वीडियो देख लेते हैं सही तरह, पता नहीं भाई ना समझना कि 600 किलो वजन वो पता नहीं मशीन को उनको कोई मसला था भाई, देख लो इतना भी नहीं मोटा हो यार 600, पता नहीं अब उसका मशीन का क्या मसला था। अभी रोटी लेनी है घर चलते हैं, उसके बाद आपको बट आपको एक बैड न्यूज़ सुनाता चलूँ कि मैंने आपको पता नहीं वो रात को ही थी, मगर रात को मैंने सोचा कि ब्लॉग रात में लगा लंबा हो गया तो आपको सुबह बताऊँगा। तो वो जो आपने अक्सर मेरे एक ब्लॉग में देखी थी मेरी बिल्ली जो कि थी ये बिल्ली जो थी ना यार, इसका फ़िलहाल मैंने आपको उसमें भी दिखाया था कि रेडी है, ये होगी बीमार देखो बेचारी यार क्या हो गया इसको, ये देखो इसके हाथ पे बर्नौला लगा हुआ है अगर नज़र आए, ये देखो सर अपना मुँह किया हुआ है पीछे कर दो में, ये देखो यार उसके हाथ पे बर्नौला लगा हुआ है, ये देखो। और इसके ना आँख के आगे ना वो ज़रा हमें लग रहा था कि ये थोड़ी बहुत ना इसकी आँखें ख़राब प्रूव हो गई है, तो कल इसको डॉक्टर के पास चाचू लेके गया था, उन्होंने इसको ड्रिप लगाई है, साथ बर्नौला लगा दिया कि इसको कल भी लेके आना। अभी दोबारा अभी चाचू का दोस्त आएगा, फिलहाल चाचू तो चला गया बाहर नारायण दुकान करने के लिए, चाचू का दोस्त आएगा मैं उसके साथ जाऊंगा इसको लेके। और इसकी आँखें हमें लगता था कि अंधी हो गई, इसको नज़र नहीं आता क्योंकि बार बार दीवारों पर बचती थी, फिर जब इसको डॉक्टर के पास लेके गया ना इतना मोटा इसकी आँखों की वजह से जाला निकला और ये देखो गिर जाएगी
गिर जाएगी नीचे ना उतरी ये देखो यार वो देखो बेचारी की आंखें देखो। डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंखें भी काफ़ी बड़ी होगी क्योंकि 10 साल इनकी एज होती है, 10 साल तक होती है, तो ये तो मेरे ख्याल से 10 साल से ज़्यादा होगी। एक चीज़ जो हमारे पास बचपन से है, ये मैं जब छोटा था ना ये तब से हमारे पास, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई बड़ा है तो ये अभी भी हमारे पास है। बस क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह का हुक्म, अगर ये इसकी ज़िंदगी और लिखी गई हो तो और, क्योंकि डॉक्टरों ने तो वैसे ही कह दिया कि बस इनकी इसकी आखिरी स्टेज ही है, बस देखते हैं अब आगे इसका क्या बनता है बेचारे का। अभी डॉक्टर के पास दोबारा लेके जाता है, बस आज का हमारा नेक्स्ट डे यहीं पर होता है उसके बाद। अगर इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं पीछे टोकरी में और किसी हाथ में जाना, अब इसको डॉक्टर में लेके जाते हैं और आपको साथ दिखाते हैं कि क्या कहता है यार डॉक्टर। ठीक है यार, ये देखो बोल रही है हॉस्पिटल आ गए। बस बस क्या हुआ है, क्या हुआ? अच्छा 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 सिरप दिया आपने? जी दो टाइम दिया सिरप। कितना? नहीं नहीं नीचे नहीं उतरना। हाँ जी क्या हुआ है? बस जल्दी जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, जल्दी जल्दी से अभी ड्रिप लगा। ये देखो ये हिल रही है बार बार। नहीं हाँ जी फाइनली ड्रिप लग गई है और अब इसका ब्लड टेस्ट भी कराना, तो भी करवाते हैं। हाँ जी क्या हुआ है यार? बिल्ली को वापस ला के मैं नहा धो के मतलब के पाक साफ हो गए हैं, ये फ्रेश हो गया हूँ क्योंकि जरासीम होते हैं हॉस्पिटल में ऑलरेडी पहले की बिल्ली हो गई, और अपनी को वैसे भी कहा था नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया। और आप सभी से यही कहता हूँ कि यार आप सब उसके लिए दुआ करें, वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। मैं आपको लिटरली बता नहीं सकता कि मेरा रोना निकलने लगा था इस टाइम कि जब मैंने आपको कहा कि उसका ब्लड टेस्ट होने वाला, तो बंदा कहता हाथ से निकाल लेना टांगों से जामर से, उन्होंने यहाँ से पहले बाल काटे उसके, फिर उसके यहाँ पे ऐसे सुरिंज घुसा के ना, तो वहाँ से उसका खून निकाला, फिर उसका वो सैंपल लिया ब्लड का। अब रिपोर्ट जो है वो उसकी आएगी चाचू के नंबर पे, शाम को आएगी क्योंकि जिस डॉक्टर के पास चाचू लेके गया था ना वो था शाम वाला, और जिसके पास अभी मैं लेके गया वो था दिन डे वाला। तो चाचू को इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, आप सभी उसके लिए दुआ करेंगे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उनसे मैंने पूछा मैं कहीं आखिरी इसकी स्टेज तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं नहीं वैसे ही टेम्परेरी बीमार हुई है और खुद ही सही हुई है। इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो यार प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके यार वीडियो को लाइक कर दो, और आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर कराए, आगे भी बढ़ाते जाओ यार ऐसे ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते जाओ और इतना ऊपर पहुंचा दो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।